स्वागत है आपका आपके अपने ITI YouTube चैनल पर। मैं हूं अनुज कुमार। आज हम बात करेंगे मार्किंग टूल में इम्पोर्टेंट टॉपिक है हैंड हैमर के बारे में। कल मैंने आपको कुछ जो है मार्किंग टूल के बारे में बताया था, तो आज पंच वगैरह के बारे में बताया था, तो आज हम हैंड हैमर के बारे में बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज़्यादातर हैमर के प्रकार पूछता है और हैमर के पार्ट्स के बारे में पूछता है, कितने प्रकार के हैमर होते हैं, वजन कितना रहता है वो पूछता है, और कई बार जो है इसके पार्टों के बारे में पूछता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हैमर होता क्या है? हैमर आमतौर पर आपने जो है अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, ये चोट मारने वाला जो है एक औजार होता है। इससे हम वर्कशॉप के अंदर भी जॉब के ऊपर काम करते हैं, तो जहां हमें आघात करना होता है यानी चोट लगानी होती है, तो वहां पे हम हैमर का इस्तेमाल करते हैं। तो वर्कशॉप में या शीट मेटल शॉप में अलग अलग तरह के हैमर का यूज होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हैमर जो है एक चोट लगाने वाला औजार होता है, ठीक है। तो इसके जो हैं कुछ प्रकार हैं, फिर जैसे बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पिन हैमर है, स्ट्रेट पिन हैमर है, स्लेज हैमर है, क्ला हैमर होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत टाइप के हैमर हैं। फिर हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हैंड हैमर के बारे में, जो कि मार्किंग के लिए जैसे पंच के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए यूज किया जाता है, और जो हमारे शीट मेटल है उसके कोनों को मोड़ने या दबाने के लिए भी यूज किया जाता है, या आपको शीट मेटल में नालियां बनानी है, चैनल्स बनाने हैं, तो उनके लिए भी यूज किए जाते हैं। तो हम देखेंगे, और इसका वजन कितना होता है वो देखेंगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि हैमर होता क्या है और कितने प्रकार के हैमर हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये है बॉल पिन हैमर। ये जो है ये है बॉल पिन हैमर। इसका नाम बॉल पिन क्यों रखा गया है? इसके ऊपर एक ये देखिए, ये पिन जो है बॉल के आकार की है, ऐसे राउंड आकार की बनी हुई है, तो इसका नाम बॉल पिन रखा गया है। तो ये इसके पार्ट बता रहा हूं मैं। ये हैंडल लकड़ी का, ये हैंडल बना हुआ है। उसके बाद ये नेक है, नीचे फेस जो जहाँ से आप स्ट्राइक करते हैं उसे फेस बोलते हैं, और जिस होल से हैंडल डाला जाता है उसे बोलते हैं आई होल, ठीक है ना। और ये यहाँ पे चीक रहती है, जो ऊपर का हिस्सा होता है जो आपको सामने दिखाई देता है इसे बोलते हैं चीक। तो ये हैंडल के कुछ पार्ट हैं। अब हैंडल जो है किस चीज़ के बनाए जाते हैं? ये ड्रॉफ या फोर्ज कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, जो हमारे वर्कशॉप में यूज होते हैं, और इसके बीच का हिस्सा नरम रखा जाता है ये वाला, बाकी ये भी हार्ड कर दिया जाता है, ये भी हार्ड किया जाता है, बीच में नरम रखते हैं, ठीक है ना। आई होल को भी नरम रखा जाता है। इस वाले जो बीच वाला पोर्शन है इसे पोस्ट बोलते हैं, POST पोस्ट। ये वाला हिस्सा नरम रहता है, ठीक है ना। तो ये इसके पार्ट हुए, यही पार्ट सेम आपको, ये है आपका बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर, ठीक है ना। उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, इसमें दिखाया गया है आपको क्रॉस पिन हैमर। ये इसकी पिन, अगर हैंडल की जो एक्सिस है और जो पिन की जो पिन है हैंडल की एक्सिस के ठीक क्रॉस में हो ऐसे, तो उसे 90 डिग्री पे हो क्रॉस में ऐसे, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पिन हैमर। ये हुआ क्रॉस पिन हैमर, ठीक है ना। पार्ट इसमें भी वही है, ये आई होल है। आई होल में क्या होता है, हमारा हैमर का हैंडल फिट किया जाता है, और ये अंडाकार होता है, ऐसे रहेगा, इसमें वेज भी फंसाई जाती है
हैंडल को टाइट करने के लिए क्या किया जाता है, वेज फंसाई जाती है। अगर आपका हैंडल टाइट नहीं होगा तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, ठीक है ना। ये निकल के जा सकता है, आपके जो साथ में काम करने वाले हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए से नर्म रखते हैं यहाँ से, ताकि ये फैल जाए और ये यहाँ से ब्रेक ना हो। तो आपको ये दिख रहा है, जब पिन जो है ऐसे हो जाए, बिल्कुल इसकी एक्सिस के 90 डिग्री पे यहाँ पे आ जाए ऐसे, तो ये हो जाएगा क्रॉस पिन हैमर। अब ये जो है बाजार में आपको पिन और भार के अनुसार मिलते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे कि मुझे जो है 125 ग्राम का, ठीक है, जो है क्रॉस पिन हैमर चाहिए, तो वो आपको आपको उसकी पिन भी बतानी पड़ेगी और उसका वजन भी बताना पड़ेगा। अगर जनरल बात करें इन हैमर की, तो ये 0.125 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक अवेलेबल है मार्केट में, ये जो बॉल पिन भी क्रॉस पिन। उसके बाद तीसरे नंबर का आता है स्ट्रेट पिन, जब हैंडल की एक्सिस के समांतर पिन समांतर हो जाए। इसमें तो परपेंडिकुलर थी, यानी ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री पे थी ये, जब ये इसके समांतर हो जाए, ठीक है ना, तो फिर बनता है स्ट्रेट पिन हैमर। ये पिन घूम के ऐसे आ गई है, ये देखिए यहाँ पे, ये पिन स्ट्रेट हो गई है, एक्सिस के समांतर हो गई है, तो ये बन गया है आपका स्ट्रेट पिन हैमर। इसका यूज भी शीट मेटल वर्क में यूज होता है, इससे चैनल्स और नालियाँ बनाने के लिए यूज किया जाता है इस वाले को। ये भी 0.125 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक की रेंज में अवेलेबल है, इसे आप खरीद सकते हैं। तो और ये देख रहे हैं आप, सबसे ये होता है स्लेज हैमर, ये 2 किलो से लेकर 10 किलो तक की रेंज में मिलता है। इसके दोनों सिरे चपटे हैं, ये देख रहे हैं, ये भारी होता है, ज़्यादा चोट लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और इसकी जो है हैंडल की लंबाई वजन के हिसाब से होती है, 600 से लेके 600 mm तक के हैंडल में मिलती है, और ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो उसके हिसाब से इसके हैंडल की लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपके बेसिक जो इससे क्वेश्चन बनता है, एक तो पार्ट पूछ लेता है, या ये हैमर दे देगा तो हैमर पहचानिए इनमें से कौन सा है, तो आपको इसका पता होना चाहिए, ये बॉल पिन हैमर है, ये क्रॉस पिन हैमर है, ये स्ट्रेट पिन हैमर है, और ये स्लेज हैमर है, ठीक है ना, इसका पता होना चाहिए। फिर कई बार इसमें से पार्ट पूछ लेता है, चीक कौन सी है, तो ये चीक होती है ऊपर, ये नेक होती है, यहाँ पे फेस होता है नीचे की तरफ, ये जो स्ट्राइकिंग होती है जहाँ से, उसे बोलते हैं फेस, ये हार्ड किया जाता है, और पिन पिन ऊपर रहती है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए कि कौन सा बॉल पिन है, कौन सा क्रॉस पिन है, कौन सा स्ट्रेट पिन हैमर है। तो ये आपके हुए हैमर। अब हैमर के कुछ और प्रकार हैं, वो भी देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये है सॉफ्ट हैमर, सॉफ्ट हैमर। इसमें क्या है, ये पूरा यहां से यहां तक स्टील का है, फिर ये प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ है इसमें, ये भी प्लास्टिक के हैं, ये इस पर टाइट कर दिए जाते हैं, इसमें एक स्क्रू रहता है, तो ये टाइट कर दिए जाते हैं। इसे शीट मेटल वर्क या सॉफ्ट कामों के लिए यूज किया जाता है, जिससे जॉब के ऊपर निशान ना पड़े, कम चोट लगानी हो वहाँ पे यूज किया जाता है। ये लकड़ी के भी हो सकते हैं, लकड़ी का भी रहता है, हार्डवुड का यानी कठोर लकड़ी के भी बनाए जाते हैं, रबड़ का भी रहता है, तो प्लास्टिक के भी बनाए जाते हैं, तो ये सॉफ्ट हैमर होते हैं, मैलेट भी कहा जाता है। आपको देख रहे हैं ऊपर दो सींग से दिखाई देते हैं ऐसे ऐसे करके, इसका क्या पर्पज होता है, इससे हम जो कील होती है उसे, कील को निकाल सकते हैं,
इधर से तो स्ट्राइकिंग के काम आता है, पीटने के काम आता है, उधर से ये जो दो दिए हुए हैं पीछे की तरफ जो बनाया गया है इसका काम है अगर हमें कील को वापस निकालना पड़ जाए तो इसके बीच में फंसानी है और ऐसे निकाल देना है, तो ये कील निकालने के लिए काम आता है क्लाहैमर। इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कील निकालने वाले हथौड़े का नाम क्या होता है, क्लाहैमर होता है। ऑप्शन में दे देगा कि बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेट पिन, तो इसमें पिन की जगह जो है ये बना हुआ है, तो ये होता है कील निकालने के लिए, इसका नाम है क्लाहैमर। तो ये कुछ हैमर हुए, मैंने इसके पार्ट बता दिए हैं आपको, तो अब ये देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मार्किंग टूल के जो अन्य बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं, कुछ मैंने कल बताए थे आपको, कुछ आज देखते हैं कि वो कैसे बनते हैं। ये देखिए, सबसे पहला हैमर बाजार में मिलते हैं। हैमर बाजार में कैसे मिलते हैं, तो सबसे पहला ऑप्शन है पिन के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है भार के अनुसार, तीसरा है पिन के प्रकार व भार के अनुसार, और चौथा ऑप्शन है मटेरियल के अनुसार। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है, तो आपको सबसे पहले हैमर की पहचान किससे करनी है, उसकी पिन से, और आपको कितने वजन का हैमर चाहिए ये भी जो है ये भी आपको देखना होता है। तो बाज़ार में आप जाके पिन बोलेंगे कि आपको बॉल पिन चाहिए, क्रॉस पिन चाहिए या स्ट्रेट पिन हैमर चाहिए है, तो और आपको कितने वजन का हथौड़ा चाहिए ये पता होना चाहिए आपको। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैमर बाज़ार में पिन के प्रकार व भार के अनुसार मिलते हैं, पिन के प्रकार व भार के अनुसार मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको ध्यान रहेगा कि हैमर बाज़ार में अगर आप लेने जाते हैं तो आपको पिन के बारे में बताना पड़ेगा और उसके वजन के बारे में कि कितने ग्राम का आपको हथौड़ा चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो देखिए, अब हैमर में आई होल रखा जाता है। मैंने अभी आई होल के बारे में बताया था, आई होल वो स्थान है जिसे नरम रखा जाता है और वो अंडाकार होता है, और उसमें हम हैंडल को फिट करते हैं और पच्चड़ लगाई जा सके जिससे हैंडल टाइट रहे। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है, ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके, गोल सुराख करना कठिन होता है, इससे सुराख टेपर बनाया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन है। तो इसमें देखना है, गोल सुराख तैयार करना कठिन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप मशीनिंग के द्वारा गोल सुराख भी तैयार कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, इससे सुराख टेपर बनाया जा सकता है ये भी नहीं है, ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके जिससे कि आपका हैंडल टाइट रहे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हैमर में आई होल इसलिए रखा जाता है इस प्रश्न के अनुसार, ताकि हैंडल में पच्चड़ लगाई जा सके, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल नंबर तीन देखते हैं क्या है। सवाल नंबर तीन पे आते हैं, पिन पंच का प्रयोग करते हैं, आपको चित्र में भी दिखाया गया है, ये है पिन पंच, ये पिन बिल्कुल, कल मैंने आपको सेंटर पंच, प्रिक पंच, ड्रिफ्ट पंच, इन सब के बारे में बताया था, तो ये एक जो रह गया था ये है पिन पंच का जो सवाल आया है, इसे देखते हैं। पिन पंच यानी जैसे सुंभी होती है उसे बोलते हैं, तो इसका प्रयोग पिन पंच का प्रयोग करते हैं गर्म धातु में सुराख करने के लिए, डबल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए, मार्किंग को पक्का करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। पिन पंच जो है बिल्कुल पिन के आकार का होता है, तो इससे हमें क्या करना होता है, इससे हम डोवेल पिन गर्म धातु में सुराख करने के लिए, मैंने कल भी बताया था, इसके लिए सॉलिड पंच का यूज करते हैं। मार्किंग को पक्का करने के लिए आप जो है डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते।
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डोवल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और ये कई बार छोटे छोटे जो है छिद्र बनाने के लिए भी यूज हो सकता है, छोटे छोटे छिद्र बनाने के लिए भी इसे यूज करते हैं, और या फिर डोवल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डोवल पिन या टेपर पिन को बाहर निकालने में पिन पंच का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ पिन पंच का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिक पंच का पॉइंट ग्राइंड होता है, जैसे हमने कल बताया था सेंटर पॉइंट, जो सेंटर पंच होता है उसका 90 डिग्री रहता है, डॉट पंच का 60 डिग्री रहता है, तो इसी प्रकार प्रिक पंच का जो पॉइंट एंगल है वो 30 डिग्री होता है। 90 डिग्री होगा सेंटर पंच का, 60 डिग्री होगा डॉट पंच का, 45 है नहीं, तो ये तीन ही ज़्यादातर एंगल इस्तेमाल होते हैं। तो प्रिक पंच का जो पॉइंट एंगल होता है वो 30 डिग्री रहता है, ये ध्यान रखना है। प्रिक पंच का जो है जो एंगल है वो 30 डिग्री ग्राइंड किया होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेवल प्रोटेक्टर, कल हमने एक चित्र दिखाया था उसमें आपको सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड, ठीक है ना, और स्क्वायर हेड दिखाया गया था जो कोणीय मापन के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो बेवल प्रोटेक्टर की शुद्धता होती है, ठीक है ना। तो बेवल प्रोटेक्टर हम कोण मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस पे जो निशान बने होते हैं तो ये एक डिग्री की शुद्धता तक नाप सकता है, ठीक है ना, एक डिग्री तक, यानी इसमें सबसे छोटा निशान एक डिग्री है, तो ये एक डिग्री तक की शुद्धता से नाप सकता है, उससे छोटी जो है नहीं नाप सकता, ये उससे छोटे कोण को नहीं नाप सकता। तो कम से कम जो छोटा निशान है इस पे एक डिग्री का है, बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं एक मिनट, पाँच मिनट, पाँच सेकंड, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक होता है, हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे फिर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, उसकी शुद्धता होती है पाँच मिनट, और वो कैसे आती है वो भी निकाल के दिखाएंगे कैसे आती है वो पाँच मिनट, यानी जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो होती है उसकी होती है पाँच मिनट, बाकी जो अगर बेवल प्रोटेक्टर आता है सीधा तो इसकी एक डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये एक डिग्री को शुद्धता से नाप सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण नहीं है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए मापन औजार जो प्रत्यक्ष मापन औजार हैं जिनसे हम डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हैं, मतलब आपको जैसे स्टील रूल हुआ तो आपने जॉब पे लगाया तो आपने बता दिया कि इसकी लंबाई इतनी है, ठीक है ना। तो इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा मापन उपकरण नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं हेरमा फेरोडाइट कैलिपर, इसका इसके जो दो नाम और होते हैं जेनी कैलिपर भी सही बोलते हैं और ओडलैक कैलिपर भी इसी का ही नाम है। तो इस पर किसी प्रकार की कोई जो है आशंकन नहीं होता, इस पर किसी तरह की कोई जो है ग्रेजुएशन नहीं की होती, इससे आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, तो इससे मापन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन के बारे में भी देखते हैं। स्टील रूल से बिल्कुल नाप सकते हैं, उस पर जो है आपके एमएम के, सेंटीमीटर के, इंचज के निशान होते हैं तो आप नाप सकते हैं, माइक्रोमीटर से भी नाप सकते हैं, ठीक है ना। और जो नीचे का ऑप्शन है वो देखते हैं, वर्नियर कैलिपर नीचे दिया गया है, वर्नियर कैलिपर, तो इससे भी हम नाप सकते हैं, ये भी सूक्ष्म माप के लिए यूज होते हैं, तो आप इससे भी नाप सकते हैं, ये भी। केवल हेरमा फेरोडाइट कैलिपर ऐसा ऑप्शन है जो मापन उपकरण नहीं है, ठीक है ना।
इससे हम समांतर लाइनें खींचने के लिए या फिर सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। आप इन्हें नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आघात करने की रेखा में एक ही दिशा में धातु के प्रसार के लिए प्रयोग किया जाने वाला हथौड़ा कौन सा है? ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आया है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आघात करने की रेखा में जैसे ही आप स्ट्राइक करते हैं ऐसे हथौड़े से, तो एक ही दिशा में धातु फैल रही है के लिए कौन सा हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? दोबारा देखिए, आघात मीन्स चोट मारना, करने की रेखा में जैसे आपने ऐसे चोट मारी तो उसकी रेखा में एक ही दिशा में उसी दिशा में धातु के प्रसार यानी फैलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला हथौड़ा कौन सा है? ठीक है ना, ये बताना है। तो इसके लिए जो है स्टेट पिन हथौड़ा, सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है स्टेट पिन हथौड़ा, मैंने आपको इसका चित्र भी दिखाया है। स्टेट पिन जिसकी पिन जो है हैंड जो हथौड़ा होता है उसकी हैंडल के एक्सिस के समांतर होती है तो वो स्टेट पिन हथौड़ा होता है। फिर आपको बॉल पिन, ये रिविटिंग के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं, वर्कशॉप में रिविटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होता है बॉल पिन हथौड़ा। क्रॉस पिन हथौड़ा दिया हुआ है और स्लेज, स्लेज यानी भारी वाला हैमर दिया हुआ है जो 2 से 10 किलोग्राम तक मिलता है, वो दिया हुआ है। तो आघात करने से एक ही रेखा की रेखा में एक ही दिशा में धातु के प्रसार के लिए प्रयोग किए जाने वाला क्रॉस पिन हथौड़ा होता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रॉस पिन हथौड़ा। इसी क्रॉस पिन से हम जो है क्या करते हैं, अंदरूनी मोड़ को जो है बनाते हैं, मोड़ के जो सीट को जो मेटल सीट्स होती हैं उनके अंदरूनी मोड़ को बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, नालियां। ठीक है ना, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, वजन में भारी हथौड़ा निम्न में से कौन सा है? वजन में भारी हथौड़ा निम्न में से कौन सा है? वो हथौड़ा बताना है जिसका सबसे ज्यादा वेट हो। ठीक है ना, तो क्लाहैमर, क्लाहैमर का आपने चित्र देखा है, खाली कील निकालने के लिए यूज होता है, छोटा सा हथौड़ा है तो नहीं होगा। ठीक है ना, हैंड हैमर, हैंड हैमर में जो है छोटे छोटे हैमर, बॉल पिन हैमर, ये सब हैंड हैमर में ही आते हैं। और बॉल पिन हैमर ये भी नहीं होगा, ये भी कितना 0.125 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक मिलता है। ठीक है ना, ये जो हैमर है, तो आपका बचा सबसे भारी वजन स्लेज हैमर है। ठीक है, इसका वजन 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आया? तो इसका ऑप्शन जो वजन में भारी हथौड़ा, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 सही है, स्लेज हैमर ही भारी हथौड़ा है। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरफेस प्लेट का उद्देश्य क्या होता है? सरफेस प्लेट का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, छिद्र की गहराई का मापन करना। तो सरफेस प्लेट जो है क्या होती है, एक जो है प्लेट रखी रहती है वर्कशॉप में, सरफेस प्लेट बोलते हैं जिस पे रख के हम मार्किंग वगैरह करते हैं। ठीक है ना, वो हमारे बेस का काम करती है, वो बिल्कुल फ्लैट बनी रहती है। तो छिद्र की गहराई का मापन करना, ये तो इसका नहीं है, प्लेट से नहीं होता। कारीगरी की समतलता का परीक्षण करना,
ये ऑप्शन है जो फ्लैट सरफेस है, अगर हमने कोई चीज पे फाइलिंग वगैरह की है तो हम उस पर रख के देख सकते हैं कि वो समतल है या नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फिनिश रहती है और फ्लैट रहती है, तो इस पर हम जॉब को रख के देख सकते हैं। भीतरी व्यास का मापन करना, ये भी नहीं है, ये कैलिपर इंटरनल जो इनसाइड कैलिपर हैं उससे करते हैं। लंबाई का मापन करना, लंबाई के लिए हमारे पास स्टील रूल या इस तरह की चीज़ें हैं उससे करते हैं। तो इसका इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जिस पे आपने कारीगरी की है उसकी समतलता का परीक्षण कर सकते हैं कि आपने जो भी सरफेस बनाया है वो ट्रू है या नहीं है। तो सरफेस प्लेट का उद्देश्य यही रहता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह है क्वेश्चन नंबर 10, ये देखते हैं। वी ब्लॉक का चित्र भी दिखाया गया है, ये देखिए ये वी ब्लॉक है। ये क्या काम करता है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर अगर मार्किंग करनी होती है तो उसे होल्ड करने के लिए काम में आता है। इधर हम इस पे ऐसे यू क्लैंप लगा सकते, ऐसे इस पे यू क्लैंप लगी रहती है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे एक हैंडल होता है, और यहाँ पे फिर हम इस पे राउंड बार या इस तरह की चीज़ को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पर भी चीज़ें हैं जिनसे हम गोल छड़ का केंद्र निकाल सकते हैं, जैसे हर्मफ्रॉस्ट कैलिपर है वो भी निकाल सकते हैं, उससे निकाला जाता है। चपटे सतह के आंकलन के लिए ये भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब आपको गोल छड़ की मार्किंग करनी हो या इसमें छेद करना हो तो आप इसे आराम से इसमें रख के होल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी ब्लॉक इसीलिए यूज होता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए मैलेट से क्वेश्चन आया है, मैलेट बोलते हैं सॉफ्ट हैमर, यानी जो मैंने अभी आपको चित्र भी दिखाया था जिसका मैलेट यानी सॉफ्ट हैमर होते हैं, जो रबर लकड़ी या हार्डवुड या प्लास्टिक के बने होते हैं उसके बारे में। मैलेट से बना होता है, मटेरियल बताना है मैलेट का क्या होता है। मैलेट से सॉफ्ट लैड का, ब्रास का, हार्डवुड का, कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का तो नहीं होगा, कास्ट आयरन एक भंगुर पदार्थ है, अगर इससे चोट मारेंगे तो ये तो वैसे भी खर जाएगा, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ का होता है, हार्डवुड का होता है, बाकी इसमें प्लास्टिक रबड़ ये दिया हुआ नहीं। तो आप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो आपका हार्डवुड यानी कठोर लकड़ी का बना होता है जो मैलेट होता है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तो मैलेट जो है हार्डवुड का बना होता है। तो इस तरह आपके 11 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। ये मार्किंग में यूज होते हैं और हमारे शीट मेटल में भी यूज होते हैं सब चीज़ें, क्योंकि ये हैमर से थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है सभी परीक्षाओं में।